सीवीडीएम में ज़ियोल खान पंकज एडवाइजर आईटी के पीके आप लोगों ने मेरा साथ देने मेरे शौहर को उस चीज का नहीं पता कि मेरे पीछे एडवाइजर ज़ियोल खान पंकज आईटी के पीके कितना हाथों के पड़ा हुआ है। मैं जिया के साथ रातें नहीं गुजार सकती ना, कमीना आदमी है, कितना कुत्ता आदमी है, ये औरतों को किस तरह अपने साथ सोने पे मजबूर करता है। ज़ियोल खान पंकज एडवाइजर आईटी के पीके और उबैद शान डकार के खिलाफ बना रही हूँ और आप लोगों ने मेरा साथ देने मेरे शौहर को उस चीज का नहीं पता कि मेरे पीछे एडवाइजर ज़ियोल खान पंकज आईटी के पीके कितना हाथों के पड़ा हुआ है। मैं जिया के साथ रातें नहीं गुजार सकती ना, मैं जिया के से पैसे चाहती हूँ, मुझे मेरी अम्मी का हक मिले। उबैद शान डकार जो मेरी अम्मी के हक में के पैसे खा गया और मेरी अम्मी के पैसे नहीं दे रहा। जब मैं पुलिस वालों से मदद मांगती हूँ तो ज़ियोल खान पंकज एडवाइजर आईटी के पीके जो पीटीआई का नुमाइंदा है कोहाट का एमपीए है, मुझे यही कहा जाता है कि हम आपको साइको और टेंशन वाला डिक्लेयर कर देंगे, मेरी मामा को टेंशन का डिक्लेयर कर देंगे, मेरे हस्बैंड को साइको डिक्लेयर कर देंगे। तो क्या मैं अपना हक ना मांगू? मैं किससे अपना हक मांगू? मुझे ज़िया से कोई जॉब नहीं चाहिए, मुझे ज़ियोल खान पंकज एडवाइजर आईटी के पीके से किसी किस्म की कोई जॉब नहीं चाहिए। ये जो मेरी वीडियो है ये ज़ियोल खान पंकज एडवाइजर आईटी के पीके के बारे में है कि मुझे मेरी मामा का हक दिलवाया जाए और इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि सबको पता चले कि कोहाट के एमपीए ज़ियोल खान पंकज एडवाइजर आईटी के पीके कितना कमीना आदमी है, कितना कुत्ता आदमी है, ये औरतों को किस तरह अपने साथ सोने पे मजबूर करता है। आप लोगों ने मेरा साथ देना है क्योंकि मेरे भाई नहीं है, मेरे फैमिली में कोई भी मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसलिए ज़ियोल खान पंकज एडवाइजर आईटी के पीके हमारे साथ इस तरह कर रहा है। जब मैं पुलिस वालों से मदद मांगती हूँ तो मुझे यही कहा जाता है कि हम आपको साइको डिक्लेयर कर देंगे, हम आपकी पूरी फैमिली को साइको डिक्लेयर कर देंगे। तो क्या मैं अपना हक ना मांगू? तो क्या मैं ज़िया के साथ सो जाऊं और मुझे ज़िया पैसे देगा? मैं ज़िया के साथ कभी भी नहीं सोऊंगी। आप लोग मेरी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ये आपसे अपनी आप लोगों की बहन की अपील है, इसको जहां बच्चा शेयर करें ताकि ज़ियोल खान पंकज एडवाइजर आईटी के पीके का चेहरा पूरे कोहाट के लोग देखें और खुदा रहा इसको फिर वोट मत देना, ये बहुत गंदा आदमी है, ये बहुत गंदा आदमी है, ये बहुत बेगैरत आदमी है, इसमें कोई शर्म हया नहीं है, इसको इतना भी नहीं पता कि मैं दो बच्चों की माँ हूं, मेरे हस्बैंड का नाम इश्फाक है, कराची जनरल स्टोर पे बैठता है, मैं जब भी थाने में जाती हूँ मुझे यही कहा जाता है कि हम आपको नौकरी दिलवाते हैं। तो क्या थाने में मैं नौकरी लेने के लिए जाती हूँ? मैं तो उबैद शान रंटाकार के खिलाफ जाती हूँ कि मुझे उबैद शान रंटाकार उबैद मिलेनियम गेस्ट हाउस के साथ जो है मुझे मेरी मालदा का हक दे, मेरी गाड़ी के पैसे खा गए। कराची जाने से पहले मैंने और मेरे शौहर ने ये फैसला किया है कि हम कोहाट हमेशा के लिए छोड़ देंगे और अपने घर को बेच देंगे, लेकिन यहाँ जाने से पहले मुझे मेरी माँ का हक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। खुदा रहा मेरी मामा का हक मिल जाए और ज़ियोल खान पंकज एडवाइजर आईटी के पीके से मेरी जान छुड़ाई जाए। मैं ज़ियोल खान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, मुझे ज़ियोल बहुत बुरा लगता है। इसको नाजिर खटक लड़कियां सप्लाई करता है और इस्लामाबाद में इसकी प्रॉपर्टी का काम चला रहा है। ये आदमी बहुत गंदा है, इसकी हर औरत के साथ ताल्लुक है, हर औरत के साथ ताल्लुक है। प्लीज आप लोग मेरी इसे जान छुड़ाएं,
उस दिन जियोला खान बंगश एडवाइजर आईटी केपीके ने मुझे खुद अपने नंबर से मैसेज किया है, प्लीज टेक्स्ट मी। जब इस्लामाबाद में मैं थी तो नाजिर खटक ने मुझे खुद फोन की थी, जो कि जिया को लड़कियां सप्लाई करता है। उसने फोन की थी कि आप जिया के साथ बात करें, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बताऊंगी। प्लीज जियाला खान बंगश एडवाइजर आईटी केपीके से मेरी जान छुड़ाई जाए, जो कि पीटीआई का नुमाइंदा है। मैं इमरान खान से ये कहूंगी कि क्या कोआट के लोगों ने, कोआट की औरतों ने इसको इसलिए वोट दिया था कि यार पसंदीदा लड़की को, हर लड़की को पसंद करे और उसके साथ लेटने की कोशिश करे, और फिर उबैद जैसा बंदा जो शान रंटाकार, जिसको मैंने पैसे दिए हैं गाड़ी के, उसके साथ मिलके मेरे पैसे खा जाए। ये कैसा जियाउल्लाह खान बंगश एडवाइजर आईटी केपीके है, इसको खुदा से डर नहीं लगता? इसको भूल के है, जियाउल्लाह खान बंगश को भूल के है कि खुद ये एक ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था, सुजुकी का आम सा ड्राइवर था। तो क्या अभी ये यही कहेगा कि एक लड़की हक मांगेगी अपनी वालदा का, तो ये उनको साइको डिक्लेयर करेगा, उनको परेशान करेगा, उनको जाबा जाके धक्के देगा।